Hello everyone, welcome to Endeavor Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Canada visitor visa trend and processing time. So, video को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल. इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस सबसे पहले तो जो कैनेडा का प्रोसेसिंग टाइम है उसकी बात कर लेते हैं. तो कैनेडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा फास्ट हो गया है. जिनकी हमने पहले मार्च अप्रैल में फाइल्स लगाई थी उनके काफ़ी जो है टाइम लग रहा था प्रोसेसिंग टाइम में. कुछ लोगों के तीन तीन चार चार महीने लग रहे थे, कुछ लोगों के तीन तीन चार चार महीने बाद भी वीज़ाज नहीं आए. लेकिन जितनी भी मई और जून में हम फाइल्स लगा रहे हैं अप्रैल के बाद उनके सभी के रिजल्ट्स आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्ट हो गया. अगर आप स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप वहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो एक महीने से डेढ़ महीने का हो गया है. स्पेशली अगर पेरेंट्स की कैटेगरी है तो पेरेंट्स को एक महीने के अंदर अंदर जो है वीज़ास आ रहे हैं. इसके अलावा भाई बहन के भी जो है 40-45 डेज के अंदर अंदर जो है वीज़ास आ रहे हैं. अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोसेसिंग टाइम है एक महीना प्लस है. एक आपको जो है 45 से 50 दिन के अंदर अंदर जो है मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहे हैं अगर आपने मई के बाद अप्लाई किया है. सो अगर आपने पहले मार्च या अप्रैल में अप्लाई किया था और अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आए तो आपको जो है वेट करनी चाहिए, आपका जो है वो प्रोसेस में ही है. अब हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं. तो गाइस जैसे पहले कनाडा विजिटर वीज़ा का ट्रेंड है काफ़ी वीक हो गया था. उसका रीज़न ये था कि काफ़ी लोगों को बल्क में रिफ्यूज़ल्स आई और रीज़न था कि उन्होंने जो है ऑटो रिफ्यूज़ल्स देनी शुरू कर दी थी. कुछ लोगों को तो 5 दिन में, कुछ लोगों को 7 दिन में, कुछ लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर जो है रिफ्यूज़ल्स आई थी और बल्क में रिफ्यूज़ल्स आई थी. लेकिन अब जो ट्रेंड है धीरे धीरे पॉजिटिव हो गया है. अब जो है अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. जिन लोगों के पीछे दो दो तीन तीन रिफ्यूज़ल हैं या 5-5, 6-6 रिफ्यूज़ल हैं उनके भी जो है वीज़ा से जो आए हैं उनकी भी PPR आई है, उनके भी पासपोर्ट स्टैम्प्स हो गए हैं. तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. पहले जो ट्रेंड जो है 25-30% रह गया था, सिर्फ 25-30% लोगों को ही अप्रूवल आ रही थी. अब वो ट्रेंड है काफ़ी पॉजिटिव हो गया. अब 70-80% जो है इसका सक्सेस रेट हो गया और ट्रेंड पॉजिटिव है. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू लॉन्च योर वीज़ा, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम भी फास्ट है और जो ट्रेंड है वो भी अच्छा है. क्योंकि बल्क में रिफ्यूज़ल्स नहीं आ रही, ऑटो रिफ्यूज़ल्स नहीं आ रही. जिन लोगों की फाइल बैकलॉग्स में जा रही है ये अच्छी बात ही है कि उनको जो है ऑटो रिफ्यूज़ल नहीं मिली, उनका स्टिल प्रोसेसिंग में. और जिन लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं एक डेढ़ महीने में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. सो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है विद फास्ट रिजल्ट. तो जो है आप अपना जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है लगा सकते हैं कनाडा के लिए. तो आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा. ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से अपना कोई भी विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करना है, आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.